Good afternoon, friends. Welcome to The Epic Life, and I'm your host, Kaid. Welcome to yet another video. आज के वीडियो में हम देखेंगे कि IELTS टेस्ट की डेट्स ऑनलाइन कैसे लेते हैं. बहुत लोग डेट्स लेने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जाते हैं, उनसे पूछते हैं, दे पे देम एक्स्ट्रा फीस ताकि वो उनके लिए डेट्स बुक कर सके. तो आज हम देखते हैं कि कितना इजीली, कितने इजी स्टेप में आप अपनी IELTS की डेट बुक कर सकते हैं. मैं आपको पहले ब्रीफ बता देता हूं IELTS के बारे में कि व्हाट एग्जैक्टली IELTS इज. इट्स इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम. बहुत कंट्रीज द्वारा अगर आपको वहाँ पे पढ़ने जाना है या फिर आपको इमिग्रेशन के थ्रू वहाँ पे जाना है, फॉर एग्जांपल कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दोज कंट्री रिक्वायर यू टू पास दिस एग्जाम सो दैट यू कैन प्रूव योर इंग्लिश एफिशिएंसी. तो इस तरह का एक टेस्ट TOEFL भी होता है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज. बट टुडे वी विल बी सीइंग हाउ वी कैन बुक डेट्स फॉर IELTS ऑनलाइन. IELTS के लिए दो एडमिनिस्ट्रेटर हैं. नंबर वन इट्स ब्रिटिश काउंसिल एंड द सेकेंड इज IDP एजुकेशन. आज मैं आपको बताऊंगा कि आप IDP एजुकेशन की वेबसाइट पे जाके, IDP एजुकेशन इंडिया की वेबसाइट पे जाके कैसे अपनी डेट्स बुक कर सकते हैं. सो गाइज, लेट्स बिगिन. दिस इज द वेबसाइट. यू हैव टू लॉग इन टू www.ieltsitpindia.com. मैं खुद IELTS दे चुका हूँ लाइक 3-4 months अगो एंड माई स्कोर वॉज 8 out of 9. सो आई विल टेल यू स्टेप बाई स्टेप हाउ यू कैन रजिस्टर टू IELTS. द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू सिलेक्ट द टेस्ट. यू हैव टू सिलेक्ट IELTS, देन यू हैव टू सिलेक्ट द टेस्ट टाइप. यहाँ पे मैं जनरल ट्रेनिंग सिलेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज आई एम गिविंग और आई एम सिलेक्टिंग दिस बिकॉज आई जस्ट. अगर आपका पर्पस एजुकेशन के लिए है कहीं पे जाना, या आपका पर्पस है इमिग्रेशन के लिए कहीं जाना, तो आप जनरल ट्रेनिंग सेलेक्ट करें. इफ़ यू हैव सम अदर रिक्वायरमेंट देन प्लीज़ डू सम रिसर्च, अदरवाइज यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट द जनरल ट्रेनिंग एंड यू कैन सेलेक्ट एनी सिटी. फॉर एग्जाम्पल आई विल बी सिलेक्टिंग इंदौर, सो लेट्स सेलेक्ट इंदौर, हेयर इट इज, एंड देन क्लिक हेयर. Then it will show you the list of the dates available. तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऑल द 6 months dates available हैं. For example, अगर मुझे अप्रैल में देना है तो I will select and it will show that the exam date is 21st of April 2018. एक बात ध्यान रखें दोस्तों कि ये जो डेट इन्होंने बताई है 21st अप्रैल, दिस डेट सिर्फ 3 आपके मॉड्यूल कंडक्ट होंगे, दैट इज राइटिंग, दैट इज लिसनिंग एंड दैट इज रीडिंग. स्पीकिंग सेक्शन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन के कुछ दिनों बाद ईमेल आएगा और वो लोग आपको टाइम बताएंगे कि किस टाइम पर आपका स्पीकिंग सेशन कंडक्ट होगा. यूजुअली जो वेन्यू है उससे, जिस दिन आपका एग्जाम है, यूजुअली उसके एक दिन पहले ही स्पीकिंग सेक्शन शेड्यूल होता है. सो दैट थिंग यू विल कम टू नो बाय द ईमेल करस्पोंडेंस फ्रॉम IELTS. नाउ लेट्स कंटिन्यू. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये अपनी प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन बताएंगे दैट यू हैव टू एक्सेप्ट. इसके बाद यू हैव टू प्रोवाइड योर पर्सनल डिटेल, जहाँ पे आपको अपना नाम, आपका लास्ट नेम, आपका ईमेल, आपका मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है. मेक श्योर करें आप जो अपना नाम और लास्ट नेम देते हैं आपके पासपोर्ट पे जो है एग्जैक्टली आपको वही प्रोवाइड करना है, बिकॉज द ओनली डॉक्यूमेंट व्हाट दे एक्सेप्ट इज योर पासपोर्ट. तो आपका नाम और पासपोर्ट पे नाम बिल्कुल मैच होना चाहिए. और आपको आपके पासपोर्ट का नंबर भी देना पड़ेगा यहाँ पे, प्लस आपको वैलिडिटी कब तक है आपके पासपोर्ट की वो भी डालनी पड़ेगी, और आपको आपका डेट ऑफ बर्थ भी डालना पड़ेगा. ये 3 क्राइटेरिया इसलिए वो पूछते हैं ताकि वो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें आपके पासपोर्ट नंबर से, आपके लास्ट नेम से और आपके डेट ऑफ बर्थ से. इसके बाद आप अगर क्लिक करेंगे इट विल टेक यू टू द रजिस्ट्रेशन डिटेल्स. वहाँ पे आपको लिस्ट
कुछ आएगी जहां पे आपको डिटेल्स बताएंगे, उसके बाद यू हैव टू फॉलो दैट थिंग एंड यू हैव टू क्लिक नेक्स्ट एंड देन कम्स द डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन. डॉक्यूमेंट अपलोड यू कैन एक्चुअली डू बाय टू वेज. द नंबर वन वे इन द बेस्ट वे इज टू स्कैन द फर्स्ट पेज एंड द लास्ट पेज ऑफ योर पासपोर्ट. उसका जेपेग इमेज आप इनको अपलोड कर दें, फर्स्ट और लास्ट पेज. अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो राइट अवे अपलोड हो जाएगा एंड इट विल बी एक्सेप्टेड. नहीं तो आपको उसकी उसकी प्रिंटेड फोटो कॉपी यू हैव टू सेंड टू IDP एजुकेशन. उनका एड्रेस प्रोवाइडेड है आगे. तो द बेस्ट वे इज टू अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट, फर्स्ट पेज एंड द लास्ट पेज. When you do that, and then it will take you to the review section. Review section में वो आपको सारी आपकी details बताएगा. अगर आपको वहाँ पे जाके कोई चीज़ edit करनी है, for example, अगर आपने अपना नाम की spelling mistake कर दी है या जो भी आपने correspondence के लिए address आपने जो दिया है वो गलत है या कुछ भी अगर आपको edit करना है तो आप review कर लें और उसको change कर लें. After that, it will take you to the payment section. Payment section में वो आपसे आपके credit card की detail मांगेगा या फिर आप चाहे तो net banking से pay कर सकते हैं. And once you pay, approximately कुछ 12,100 rupees होता है, including the GST taxes. And once you register, you will get a confirmation from IDP Education that आपकी test day book की गई है. आप इसी website पे आके आपकी credentials डाल के, आपका last name, आपका passport और आपका date of birth डाल के आप पूरी details देख सकते हैं. वो लोग आपको बताएंगे कि इस तारीख को, फॉर एग्जाम्पल इस केस में अपन ने चूज करा था 21st of April, इट विल शो यू कि 21st April को किस टाइम से आपका टेस्ट बिगिन हो रहा है. एंड अगेन रिमेंबर माई फ्रेंड्स, 21st April जैसे कि आपने डेट चूज करी है तो इस दिन आपका लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग सेक्शन होगा. स्पीकिंग सेक्शन के लिए आपको इन लोगों से एक करस्पॉन्डेंस आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे आपको डिटेल्स आएंगी. यूजुअली दैट इज टिपिकली वन डे बिफोर आपको वो शेड्यूल होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 21 तारीख को अगर आपका टेस्ट है तो आपका मोस्ट लाइकली जो स्पीकिंग सेक्शन होगा वो एक दिन पहले होगा, दैट इज 20th of April. सो दिस इज ऑल अबाउट इट गाइज. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट द प्रोसेस और अबाउट रजिस्टरिंग, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू राइट टू मी. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक इट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर सम वेरी नाइस स्टफ कमिंग इन फ्यूचर. अगला मेरा वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगा IELTS प्रिपरेशन के बारे में कि कैसे आप लोग IELTS की प्रिपरेशन कर सकते हैं और उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 8 या 8.5 ला सकते हैं आउट ऑफ 9 बैंड में, दैट टू विदाउट गोइंग एनी काइंड ऑफ कोचिंग. सो अगेन फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस